एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। एंड टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है जो अब काउंसलिंग भरने वाले हैं, वेदर इट इज अ डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग और वेदर इट इज अ स्टेट काउंसलिंग। यू आर गोइंग टू फिल इट आउट, यू मस्ट वॉच आउट दिस वीडियो, बिकॉज अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। भले ही आपने बहुत अच्छे स्कोर किया है आईपीजीट में और आपके बहुत अच्छे नंबर आए थे, रैंक आई थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आप इन एलिजिबल हो जाओगे डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के लिए भी, और आप इन एलिजिबल हो जाओगे फॉर फर्दर स्टेट काउंसलिंग एज वेल। तो अगर आपने ये पीजीटी दिया है और आप अब डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग भरने वाले हो तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था AIA PGET फॉर्म भरते वक्त, वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर आपको डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको काम में लेना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल आउट करोगे और आपने जो AIA PGET में डेटा दिया था अपना, जो भी पर्सनल क्रेडेंशियल्स या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड एनी एवरीथिंग जो भी आपने दिया था, वो सारा डेटा अपने आप डबल ए ट्रिपल सी का जब आप फॉर्म भरोगे फॉर द काउंसलिंग, वो अपने आप डेटा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। बट ध्यान आपको ये रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे दिया था AIA PGET का फॉर्म भरते वक्त, वही मोबाइल नंबर आपको इसमें काम में लेना है, और जो ईमेल आईडी आपने उस समय भरी थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरनी है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मेरा ये चीज मैंने यहाँ पे गलत भर दी, तो कोई उसको एंटरटेन करने नहीं बैठेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डेटा आपने उस समय भरा है वो डेटा अपने आप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, भर जाएगा वो पूरा फॉर्म, बट आपको ये मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के बारे में ध्यान रखना है कि हमें वही मेल आईडी और वही मोबाइल नंबर भरना है। दूसरी चीज, आपको फॉर्म एक ही बार भरना है। अगर हो सके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारा एक बार में फॉर्म में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो हम दूसरा भर लेते हैं, दूसरे ईमेल आईडी से, दूसरे मोबाइल नंबर से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक स्टूडेंट डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग एक ही बार भरेगा, उसको वापस नहीं भरना है। अगर आपने दो तीन बार भर दिया फॉर्म को तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और आपको रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका है वो आपको राउंड वन में भी मिलेगा, राउंड टू में भी मिलेगा, राउंड थ्री में मिलेगा, स्ट्रे वैकेंसीज राउंड में भी मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम क्या राउंड वन चालू हो गया तो राउंड वन में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो राउंड टू अब जब चालू हो रहा है, राउंड थ्री चालू हो रहा है या कोई सा भी राउंड चालू हो रहा है, तो हम उस समय रजिस्टर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो आपको रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो, राउंड वन के बिगनिंग में करा सकते हो, राउंड टू के बिगनिंग में कर सकते हो, थ्री में भी, स्ट्रे में भी, आप किसी में भी जब भी चालू हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वहां पे, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हो, जब भी ये जो राउंड्स हैं जो आपकी काउंसलिंग के वो चालू हो रहे हैं तब आप रजिस्टर कर सकते हो। बट मेक श्योर, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कैंडिडेचर कहाँ कैंसिल हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज जानने की ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो काउंसलिंग भर देते हैं, ठीक है? उसके बाद उनको ये लगा रहता है कि इधर की डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग भी चलती रहती है और उधर की स्टेट काउंसलिंग भी चालू हो जाती है, ठीक है? राउंड थ्री तक तो जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं वो चालू हो जाती हैं, तो किसी किसी स्टेट्स की, या मैं बात करूं जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट काउंसलिंग है वो चालू हो जाती है जब ये डबल ट्रिपल सी यानी कि जो सेंट्रल काउंसलिंग चल रही होती है तब।
तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से, जैसे हमको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो हम क्या करते हैं कि चलो इस सीट को छोड़ देते हैं क्योंकि हम स्टेट में अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं क्योंकि हमारी रैंक भी अच्छी आई है। तो ऐसा कुछ अगर आप करने की सोच रहे हो तो उससे पहले अपने आप को क्लियर कर लेना कि हम ऐसा कब कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन किस कंडीशन में कैंसिल नहीं होगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो। अब यहाँ पे जानने की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको राउंड वन में सीट मिल गई, ठीक है, और उसने उस राउंड वन में जब उसको सीट मिली तो उसने उस कॉलेज को ज्वाइन भी कर लिया और उसने सोचा कि चलो मैं अपग्रेड कराने की कोशिश करता हूँ, तो अपग्रेड के लिए भी उसने अप्लाई कर दिया लेकिन उसकी राउंड टू में सीट अपग्रेड नहीं हो पाई, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड टू में जो कॉलेज मिला उसको ज्वाइन कर लिया, अब इन्हीं दोनों कंडीशन के, या कि राउंड वन में आपको कोई सीट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया फिर अपग्रेड के लिए भरा और आप अपग्रेड नहीं हो पाए, या फिर राउंड टू में सीट मिली और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब ये जो कैंडिडेट्स हैं सोच रहे हैं कि हम एग्जिट कर दें, ठीक है, तो अब अगर ये एग्जिट करेंगे तो इनको ये जानना जरूरी है कि इनके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स एग्जिट करते हैं अपनी सीट को 3 दिन पहले, राउंड 3 शुरू होने के 3 दिन पहले अगर ये अपनी सीट को छोड़ देते हैं टिल द राउंड 3 फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो काउंसलिंग में क्या इनको फर्क पड़ेगा कि ये इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द फर्दर डबल ट्रिपल सी पीजी काउंसलिंग, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये विड्रॉ कर लेते हैं अपनी सीट, है ना, कब, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, जब राउंड 3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ उस समय ये क्या करते हैं, विड्रॉ सीट कर लेते हैं, तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर बोथ आयुष पीजी काउंसलिंग फॉर द सेंट्रल एज वेल एज फॉर द स्टेट वन। तो आप अगर सीट छोड़ रहे हो तो इसकी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ कि कब आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, कब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, कब आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, कब आपकी सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑल ओवर दिस कंसेप्ट कि कितनी सिक्योरिटी मनी है, क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाली वीडियो में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कब हम फ्री एग्जिट कर सकते हैं और कब हम नहीं कर सकते। कब हम फ्री एग्जिट कर रहे हैं तो हमको सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी, और कब हम फ्री एग्जिट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फ्री एग्जिट नहीं हो रहा और हमारा कैंडिडेचर भी कैंसिल हो रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई थर्ड राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, तो वो अलाउड ही नहीं है एग्जिट होने के, जो भी एडमिटेड या अलॉटेड सीट है उससे वो एग्जिट नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा कर लूं कि मुझे थर्ड राउंड या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है और मैं अब एग्जिट कर लूं, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा फॉर आयुष पीजी काउंसलिंग बोथ फॉर द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट वन। ऑलराइट, ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब हमारे साथ क्या हो सकता है, तो आप आराम से जो सेफ काउंसलिंग है वो खेल सको। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बताई है कि आपको किस तरीके से इस काउंसलिंग में पार्ट लेना है ताकि आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल नहीं हो और आप फ्रीली काउंसलिंग प्ले कर पाओ। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ओवर द अदर डाउट्स द स्टूडेंट्स आर हैविंग करंटली इन देयर माइंड रिगार्डिंग द सिक्योरिटी मनी, रिगार्डिंग द राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग, रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर एज वेल। सो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर कर दूंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। Just to play the safe counseling, and I hope you will get the college you are desiring for. Till then, all the best and try to share out different colleagues who are searching for a similar one. That's all. Thanks for watching. No homeopathy.